उस शख्स का रुतबा शरीफ बोल दीजिए बढ़ गया है बिल यकीन, उस शख्स का रुतबा शरीफ जिसने देखा आपका चेहरा शरीफ। क्या वाली से बात, बढ़ गया है बिल यकीन उस शख्स का रुतबा शरीफ जिसने देखा आपका चेहरा शरीफ। सारी दुनिया कह रही है वारिस आलम का नाम, सारी दुनिया कह रही है वारिस आलम बना, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ। मेरे भाइयों सरकार वारिस पाक वारिस दीवा वारिस आलम बना, ये आप हुसैनी सैयद हैं, वालिदा की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी आप हुसैनी सैयद है, हुसैनी सरकार इमाम आली मकाम की औलाद से आप हैं। जब बगदाद की सरजमीन को हिलाकू खान ने तार तार कर दिया, उजाड़ दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, बगदाद की सरजमीन ऐसी है जो कई मरतबा उजड़ी है फिर बसी है, कई मरतबा उजड़ी है और फिर बसी है, क्योंकि वहां के जो कौमारा लोग थे अमीर लोग थे उनकी हालत गैर थी, थे तो मुसलमान अमीर लोग मुसलमान बादशाह लोग, लेकिन एक एक अमीर के घर में 300-300 लड़कियां नाचने वाली लगती थी। अल्लाह आप गौर करें कैसी अमीरी और दौलत के नशे में जो बदमस्त थे वो लोग कि खुदा को और दीन को एकदम भूल बैठे थे। ये वजह थी कि अल्लाह ने हिलाकू की शक्ल में उसके ऊपर वो अजाब मुसल्लत किया था, अजाब मुसल्लत किया, बगदाद को इसको नाबूद कर दिया गया। हिलाकू ने ये कसमें खाई थी कि मैं जब तक के मुसलमानों के सरों का मीनारा बनाकर उस पे शराब नहीं पीऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उसने अपनी जो मिन्नत पूरी की जब बगदाद को उसको नाबूद कर दिया, जमीन से नामो निशान बगदाद के मिल गए, एक भी मुसलमान नहीं, कलमा पढ़ने वाला एक भी नहीं। तब जो है उस वक्त दादा ने बगदाद को बिताया, अब उसी दादा का बेटा अलहू खान, हिलाकू खान का बेटा अलहू खान ने 90,000 फौज लेकर काबा को ढाने की नीयत से चला, काबा को ढाने की नीयत से चला। जब चला रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला, एक जंगल में पड़ाव डाला, जैसी ईशा का वक्त हुआ आजान की आवाज आई। हिलाकू का बेटा अलहू खान चौंक गया कि मेरे दादा ने जब मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया, ये जंगल में ये आजान की आवाज किधर से आ रही है, कौन सी आवाज है, ये किधर से आ रही है। अपनी फौज को भेजा, जाओ तलाशो आजान की आवाज किधर से आ रही है, आवाज कैसी है। गया तो देखा एक जगह है जंगल में जहां पे कुछ अल्लाह के नेक बंदे कुछ फकीर लोग बैठे हैं, चंद लोग हैं और वो इबादत कर रहे हैं। ये गए अलगू खान का कि फौज का एक सिपाही गया, पूछा तुम कौन लोग हो, चलो तुम्हें हमारे सरदार बुला रहे हैं, अलगू खान बुला रहे हैं। उस काफिले का जो सरदार था, जो सिपा सालार था, उस काफिले का जो अमीर था, जो सरपरस्त था, उनका नाम था सैयद शरफुद्दीन, उनका नाम था सैयद शरफुद्दीन। उन्होंने कहा सुनो हम मुसलमान हैं, हम किसी दौलतमंद और अमीर के पास नहीं जाते, हम किसी हुकूमत के पास नहीं जाते, जिसे जरूरत होती है वो हुकूमत मेरे पास चलकर आती है, हुकूमत मेरे पास चल करके आती है। जाकर के ये फौज उसका सिपाही जाकर के अलबू खान से कहा, वो मुसलमानों की जमात है, चंद लोग हैं, वो कह रहे हैं हम किसी अमीर के पास नहीं जाएंगे, किसी दौलतमंद के पास, किसी बादशाह के पास, हुकूमत के पास नहीं जाएंगे, जिसे जरूरत है मेरे पास आए। अलबू खान चला अपनी फौज को लेकर, साथ में उसका कुत्ता था, कुत्ते की रस्सी को हाथ में पकड़ा है और रोटियों का टुकड़ा तोड़ तोड़ कर कुत्ते को दे रहा है, कुत्ता खाता खा रहा है और चल रहा है। जैसी पहुंचा और जाकर के अलबू खान कहते हैं कि तुम्हें मैं बुलाया, तुम आया क्यों,
उसने कहा, उन्होंने कहा कि हम मुसलमान है, हम किसी के पास नहीं जाते। मैंने ये कह दिया, कहा तुम्हें डर नहीं, तुम्हें खौफ नहीं, तुम आखिर आए कहां से? मेरे दादा ने तो मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर दिया, नामो निशान मिटा दिया, तुम कहां से आए? हजरत शमसुद्दीन अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खबा करे वो शर्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शर्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जैसे उसने सुना, कहा खुदा कोई और है, कोई और भी खुदा है? कहा मैंने तो कह दिया, अब उस्ताद जाने या शागिर।
उस्ताद जाने या शागिर्द जाने, क्या पढ़ा शागिर्द जाने, क्या पढ़ाया उस्ताद जाने। लोग वहां से मायूस लौटे। अब लोगों ने कहा उस्ताद ने बड़ी बातें की है, काम करते करते ये मेरा शागिर्द हाफिज कुरान हो गया, चलो इनका इम्तिहान लिया जाए। वक्त के बड़े बड़े कारी को बुलाया गया, बहुत बड़े आलिम को और अच्छे हाफिज को बुलाया गया, बुला करके जमा किया गया, कहा गया आज आपके बच्चे का इम्तिहान है जिसे आपने कहा ये काम करते करते हाफिज कुरान हो गया। कहा ठीक, कहा सब तैयार, कहाँ तैयार है बुलाइए। अब उस्ताद मुहतरम कहते बेटा बारी सली इधर आए, कहा जरा कुरान पढ़ना शुरू करो। कुरान पढ़ना शुरू किया वारिस पाक ने, औज़ुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया, अब अन्नास के सीन पे जाके रुक गए। पूरे एक बैठक में मुकम्मल कुरान को सुना दिया वारिस पाक ने, पूरे एक बैठक में मुकम्मल पूरे कुरान पाक को सुना दिया। ये देखकर मुखालिफों की जबान घुट हो गई, मुखालिफ खामोश हो गए, मायूस लौट गए, चले थे उस्ताद की बेअदबी कराने के लिए। कहा इन मिसमाना को नीचा दिखाऊंगा, गिराऊंगा, ये देखो तुम काम कराते हो, बनाते क्या हो। लेकिन उस्ताद भी वैसे थे और शागिर्द भी वैसे थे। कहा इसे तो अल्लाह ने काम करते करते हाफिज कुरान बना दिया, और बनाया नहीं बल्कि पढ़ करके लोगों को बता भी दिया कि देखो मैं हाफिज कुरान बन चुका हूँ, सुना भी चुके। मेरे भाइयों 14 साल की उम्र में वारिस पाक हज को तशरीफ ले गए, 14 साल की उम्र में आप जब हज को तशरीफ ले गए तो एहराम आप बांध लिए, एहराम आप पहन लिए। हाजी साहब से आप पूछ सकते हैं, उलमा से भी पूछ सकते हैं, जब आदमी एहराम के अंदर होता है तो चींटी को मारना भी हराम है, सर के जू को मारना भी हराम है, मक्खी मच्छर को मारना भी हराम है। अगर आपने मार दिया ना तो दम लग जाएगा, कफारा देना पड़ेगा। आप सोचे कैसी एहतियात की जिंदगी वो होती है, हराम की जिंदगी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी जिंदगी होती है कैसी एहतियात की। वारिस पाक पूरी जिंदगी उसी एहराम, 14 साल की उम्र में आपने एहराम बांधा, मरते दम तक आप एहराम को नहीं उतारे। आज दुनिया अमन का पैगाम लेकर घूमती है, दुनिया अमन के पैगाम का ढिंढोरा पीटती है, वारिस पाक ने एहराम बांध कर अमन का पैगाम दे दिया कि देखो इस्लाम ने अमन फैलाया है ऐसा कि चींटी को भी ना मारो, यहां तक के सर के जू को भी ना मारो। उसके बाद जब आप 14 साल की उम्र में एहराम बांधे, हज की सआदत हासिल किए, वापस जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो हिंदुस्तान आने के बाद उसी एहराम की हालत में आप आए। लोगों ने एतराज किया, कहा ये क्या मामला है हुजूर, एहराम तो 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए बांधी जाती है, आप ये वहां से मक्का से मदीना, मदीना से हिंदुस्तान आ गए, फिर भी आप एहराम बांधे, आखिर क्यों, क्या बन रहा है, एहराम उतारिए। आप फरमाते हो सुनो एहराम लोग कब बांधते हैं, काबा को देखते हैं एहराम बांधते हैं, जिसके जब तक काबा नजरों के सामने होता है लोग एहराम में होते हैं। मैं एहराम कैसे उतारूं, जब से काबा देखा हूं मेरी आंखों से काबा ओझल ही नहीं हुआ है, मैं जिधर जाता हूं उधर काबे को पाता हूं। ये वारिस पाक की शान है, ये वारिस पाक की शान है कि पूरी जिंदगी आप एहराम में रहे। और फिर आप फरमाते हैं मैं फकीर हूँ, क्या हो फकीर, फकीर से मतलब नहीं वो कटोरा लेके या हाथ फैला के मांगने वाला नहीं। आप फरमाते हैं फकीर वो होता है जो कभी सवाल नहीं करता, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, वो फकीर होता है, वो फकीर होता है। ये तो फकीर है इसे भीख मंगा करते हैं। आज वो फकीर सब समझते हैं भीख मांगने वाले को, तो नहीं, फकीर बहुत ऊंची साज है, बहुत ऊंचा आला मकाम है, आला मकाम, इस मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। वाली से बात फरमाते हैं दुनिया में ढाई फकीर है, ढाई फकीर, ढाई फकीर, एक फकीर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, एक फकीर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, एक फकीर राबिया बस, आधी फकीर राबिया बसरिया,
लोगों ने कहा सरकार ये तो देव फकीर का नाम आपने बता दिया। देव फकीर कौन है? आप सबको झुका लिए, आप सबको झुका लिए। लोगों ने कहा लगता है एक फकीर आप है, सबको आप झुका लिए, सबको आप झुका लिए। मेरे भाइयों भगवान से बात फरमाते हो मैं फकीर। फकीर वो होता है जो कभी सवाल कभी किसी से मांगता नहीं, सवाल नहीं करता। और इसका एहतियात ऐसा था कि वाणी से पाक को भूख लगती, प्यास लगती, तो आप नहीं कहते किसी मुरीद या खलीफा या खादिम से पानी लाओ, खाना लाओ, नहीं, आप फरमाते चलो पानी पी लिया जाए। इसमें मांगना है, बोली मांगना है, है? मांगना नहीं है ना, बल्कि पीने में शामिल करना है। हम कहेंगे पानी लाओ तो ये मांगना हुआ, हम कहेंगे खाना लाओ तो ये मांगना हुआ, हम कहेंगे चलिए पानी पी लिया जाए तो ये पीना नहीं बल्कि पिलाना हो जाएगा, खाना नहीं बल्कि। तो वाली से बात फरमाते प्यास लगती, फरमाते चलिए पानी पी लिया जाए। कोई मरीज खलीफा कह देता हुजूर अभी तो आपने पानी पिया, खामोश हो जाते, फिर रह जाते, नहीं पीते। फिर कह देता हुजूर अभी तो आपने खाना खाया, भूखे रह जाते, नहीं खाना खाते। फिर नहीं मांगते कि भाई मुझे भूख लगी है खाना लाओ, नहीं। इतना एहतियात के जुमले भी आप ऐसे निकालते थे जिससे सवाल करना जाहिर ना हो। ये वारिस पाक की जात है, वारिस पाक वो वारिस पाक है। आपका एक वाहिद गरीब नवाज की शख्सियत तो ही है, वारिस पाक की शख्सियत ऐसी है जिसे हिंदू मुस्लिम कसरत मानते हैं। बहुत सारे आप बिहार और झारखंड की सरजमीन पे जाएंगे तो बहुत सारे राजपूत लोग वो सब भी वारिस पाक के जाने वाले, अपने अपनी गाड़ियों ट्रक वगैरह वगैरह के नाम पे, बसों के नाम पे वारिस लिखे रहते हैं। पूछे इस कारण को नहीं तो पता चलेगा ये हिंदू है किसी राजपूत का है, ये पता चलेगा आपको। एक राजपूत था जिसका नाम था कंचन सिंह, वो निकला बद्रीनाथ जाने के लिए, लेकिन सोचा चलो सरकार वारिस पाक की बारगाह में भी हाजिरी दे दूंगा। वारिस पाक का जाने वाला था, दीवाना था, आया वारिस पाक के बारगाह में बैठा, हाजिरी थी, चलने लगा वारिस पाक, फरमाया थोड़ी देर और बैठो, बैठा रहा। जब जब आप रोकते हो रुक जाता, जब वो आखिर में देखा कि अब इतना वक्त गुजर गया कि अब मैं बद्रीनाथ नहीं जा सकता, तो उसने कहा हुजूर मुझे जाना था बद्री। कहा हो बद्री जाना था? कहा हाँ। अब तो वक्त गुजर गया, आप कैसे जाओ? कहा अपनी आंख पर पट्टी बांधो, अपनी आंख पर पट्टी बांधा। वो कंचन से राजपूत था, उसने अपनी आंख पर पट्टी बांधा, पट्टी बांधा। फिर आपने फरमाया अब खोलो, जब खोला तो क्या देखता है? पट्टी बांधा तो देवा में था, जब खोला तो देखता है बद्री में है, खोला तो देखता है बद्री में है। बद्री का जो धाम था वो सामने, जैसी धाम के अंदर दाखिल हुआ क्या देखता है? वहां कोई मूर्त नहीं, वहां वारिस पाक बैठे हैं, वारिस पाक बैठे, कदमों में गिरा, कहा हुजूर देवा में भी आ, बद्री में भी आ, जब हर जगह आप ही है तो हमें दर दर भटका क्यों रहे हैं? बस अब कहीं और न भेजिए, कलमा पढ़ाइए इस्लाम में, कलमा पढ़ाइए इस्लाम में, दाखिल कर लीजिए। ये वारिस पाक है, ये वारिस पाक है। मेरे भाइयों तो वारिस पाक की शख्सियत बहुत ऊंची है, और क्यों कहो तो सही जो सैयद है इमाम आली मकाम की, इमाम आली मकाम की औलाद में से आप है। हुसैनी वालिदा की तरफ से भी हुसैनी है, वालिद के तरफ से भी हुसैनी है। तो ऐसे ऐसे अल्लाह ने हमें वही दिया है, और वारिस पाक ही वो जात वो शख्सियत है जो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान को सबसे पहले आला हजरत का लकब दिया है। जब आला हजरत ने ये कलाम पढ़ा था एक स्टेज पे, सबसे आला बहुला हमारा नबी, सबसे बाला दो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, वारिस पाक उस स्टेज पे मौजूद थे। आपने फरमाया मौलाना अहमद रजा खान, आपने मेरे नाना को, मेरे आका को, मेरे नबी को सबसे आला बहुला कहा है, आज मैं आपको इन हजरतों में सबसे आला यानी आला हजरत कहता हूं। ये वारिस पाक है जो आला हजरत को, आला हजरत का खिताब अगर किसी ने दिया है तो
وارث پاک کی ذات ہے۔ ہمیں چاہیے ایسے اللہ والوں سے اپنی نسبت کو جوڑے، ان کے در سے لو لگائے، ان کے نقش قدم کو اپنائے اور ان کی محبت سے اپنے دل کو سجا لے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم سبوں کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ایسے ایسے بزرگان دین دیے، ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوا پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا، ہمیشہ کہتا ہوں ہر جمعہ کو نماز